नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश सिंह, अन्या टेक्स ऑफ LLP टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज टैलीफाइन 3.0 का एक और भी आपको फीचर, बहुत बड़ा अपडेट जो फीचर है उसके बारे में बताऊंगा कि जो कि मोस्टली कंपनियों के लिए रिक्वायरमेंट थी बहुत पहले से ही, जो टैली 3.0 में टैली सॉल्यूशन ने इसको अपडेट कर दिया है। दोस्तों सबसे बड़ा इशू क्या था कि आज के टाइम में जितने भी आप लोग डीलर वेंडर हैं, जो भी हैं आप लोग टैली में काम करते हो, तो बहुत सारे हमारे पास जो भी वेंडर थे अनरजिस्टर्ड वेंडर थे, तो कभी कभी वो ईयर एंड में या बीच में क्वार्टर में वो लोग बोलते थे मैं रजिस्टर्ड डीलर हो गया, GST नंबर उन्होंने ले लिया, वो रेगुलर हो गए, तो उनके लिए क्या होता था, फिर से हमें नया लेजर बनाना होता था, क्योंकि पहले कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हमारे पास कि हम उनको रेगुलर कर सके, तो वो दो दो लेजर क्रिएट हो जाते थे। तो बहुत बड़ा, हर अगर आपके पास 100 क्लाइंट अनरजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड बन गए तो आपके पास 100 लेजर्स और क्रिएट हो जाते थे सेकंड। बट इस चीज का जो भी इशू था, प्रॉब्लम था, वो टैली 3.0 के अंदर टैली ने उसको रिजॉल्व कर दिया दोस्तों, कि आप उसको जैसे सपोज करिए एक लेजर आपने 1 अप्रैल को क्रिएट कर दिया अनरजिस्टर्ड, क्वार्टर के एंड में अगर उसने उस वेंडर ने बोला कि मैं रेगुलर हो गया, मैंने GST नंबर ले लिया, तो वहीं लेजर को अल्टर करके वहीं पे ऑप्शन एक मिल गया है कि आप वहां पे डेट वाइज डाल के रेगुलर कर सकते हैं। कैसे होगा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, वीडियो एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा दोस्तों गेटवे ऑफ टैली में, अल्टर में जाएंगे लेजर में। मैंने एक लेजर बना लिया, नवीन एंटरप्राइजेस लिखता हूँ यहाँ पे, नवीन एंटरप्राइज का लेजर है ये, लेजर मेरा अनरजिस्टर्ड है। सपोज ये 1 अप्रैल से मेरा ये लेजर अनरजिस्टर्ड काम हो रहा है, तो मुझे इसको अब रेगुलर करना है। इस वेंडर ने बोला सर जी मैंने तो GST नंबर ले लिया, अब मुझे रेगुलर कर दीजिए, मुझे रिटर्न लेना है। और इसका इफेक्ट भी दोस्तों रेगुलर करते ही आपका रिटर्न में भी ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड से रिटर्न में रेगुलर में आ जाएगा। तो ये कैसे रेगुलर होगा, यहाँ पे आपको जाना है मोर डिटेल में, यहाँ पे जाइए शो मोर करिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है GST रजिस्ट्रेशन डिटेल हिस्ट्री, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा GST यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे ये पूछ रहा है कब से ये वेंडर आपका रेगुलर हो गया। सपोज करिए 1/4/22 से मैं काम कर रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1/4/23 से ये रेगुलर हो गया। यहाँ पे एंटर करिए, यहाँ पे GST नंबर डाल दीजिए, जो भी इसका GST नंबर है, अभी GST नंबर चलिए मेरे पास नहीं, मैं एंटर कर दिया, एंटर करके इसको यहाँ पे सेव कर दीजिए, ये कंट्रोल ए हो गया। तो अब नवीन एंटरप्राइज को देखिए रेगुलर में आ गए हैं, और मेरा लेजर भी मुझे सेकंड लेजर क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत ही एडवांस फीचर, गुड फीचर ये टैली ने दिया है। मोस्टली क्लाइंटों को ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये कैसे आप अनरजिस्टर्ड से उसको रेगुलर करेंगे, और डेट वाइज पर्टिकुलर डेट से, अगर आपका डेट 15 अप्रैल है या 20 अप्रैल है, किसी मंथ के एंड में है, वीक के उसमें है, तो आप कोई भी डेट यहाँ पे मोर डिटेल्स में जाके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। शो मोर करने के बाद यहाँ पे हिस्ट्री पे यहाँ डेट डाल सकते हो, जो भी मैंने लिख दिया, देखिए 15 अप्रैल, ये 15 अप्रैल से हो गया, कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए। इस तरीके से आपको ये पार्टी की हिस्ट्री वाइज आप डिटेल्स यहाँ पे, जो भी आपकी हिस्ट्री होगी मंथ वाइज डेट वाइज, जो भी जब से हुआ अनरजिस्टर्ड से रेगुलर हुआ है, आप वहाँ पे डेट वाइज डाल के सेलेक्ट कर सकते हो, आपको सेकंड लेजर क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा है, और टैली 3.0 की ये फीचर अच्छे लगे दोस्तों, तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट्स करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।